ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो साल 2018 होने वाला है खत्म, तो यहाँ पर WWE ने साल 2018 के अंदर जिन सुपरस्टार ने अच्छे काम किए, अच्छे मैच रसल किए, अच्छा WWE को कंट्रीब्यूट किया, तो उन्होंने यहाँ पर पूरी लिस्ट जारी करी जहाँ पर WWE ने फीचर किए काफी कुछ बड़े सुपरस्टार जैसे कि रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, बैकी लिंच, ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्या कुछ है वो अवार्ड्स और किस सुपरस्टार को WWE ने यहाँ पर कौन सा अवार्ड दिया है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट जरूर देखिए। अब WWE ने यहाँ पर जो कुछ भी अवार्ड्स दिए हैं ये फैंस के वोटिंग के बेस पर कि फैंस यहाँ पर क्या चाहते हैं कि सुपरस्टार को कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए, और आई थिंक यहाँ पर थोड़ी बहुत WWE टीम की भी मेहरबानी है। अब ये वाले अवार्ड वो नहीं है जो कि शायद आप लोग सोच रहे होंगे स्लैमी अवार्ड इस बार नहीं हुए, इस बार क्या काफी कुछ टाइम से नहीं हुए। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं और एग्जैक्टली हम वहाँ पर डिस्कस करें कि आखिर ऐसे क्या हुआ कि WWE ने स्लैमी अवार्ड्स को बंद कर दिया, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो अवार्ड्स हैं इनका नाम है WWE ईयर एंड अवार्ड्स, और मतलब कि आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वो अवार्ड्स हैं जो साल के खत्म होने के बाद है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फनीएस्ट मूवमेंट ऑफ द ईयर से, तो वहाँ पर वो कौन सा है अगर आप लोग गैस करें तो शायद आप लोग कर ही लेंगे। ये है टाइटस ओनील की स्लिप जब ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में एक बहुत ही धमाकेदार एंट्रेंस ली थी टाइटस ओनील ने, उससे ऊपर आते हैं। और यह कौन सा ब्रांड ऑफ द ईयर रहा, क्या वो रॉ था, स्मैकडाउन था, NXT था या फिर 205 लाइव था, क्या था? तो यहाँ पर ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है मंडे नाइट रॉ को मोस्ट हेटेड सुपरस्टार ऑफ द ईयर। आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि बैरन कॉर्बिन है, बेस्ट जनरल मैनेजर। तो ये अवार्ड मिला पेज को। साल के सबसे बेस्ट रियूनियन की बात करें तो ये अवार्ड लिया द शील्ड ने, जो हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर अटैक किया था। और शॉकिंग मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर यह अवार्ड मिला है वो वाला इंसिडेंट को जब रैंडी ओटन जेफ हार्डी के कान में स्क्रू ड्राइवर से, आप लोगों ने देखा कितना अजीब सा मूवमेंट था, उसे देखने काफ़ी मुश्किल था, तो उसे मिला यहाँ पर शॉकिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड। बेस्ट मैच की बात करें तो ये अवार्ड यहाँ पर मिला है बैकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के एवोल्यूशन में हुए मैच को। डिस ऑफ द ईयर मतलब कि यहाँ पर किस सुपरस्टार ने किसे रोस्ट कर दिया बहुत ही बुरी तरीके से। और ये अवार्ड मिला है रोंडा राउजी को, आप लोगों ने देखा था कि कैसे उन्होंने कह दिया था निकी बेला के बारे में, तुमने जो एक डोर नॉक किया है वो है जॉन सीना के बेडरूम का। वैसे वाकई में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था वो, और शायद कुछ ज़्यादा ही हो गया था। बेस्ट राइवलरी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस की राइवलरी को, जैसे कि हम लोगों ने देखा इस साल की पूरी एक तरह से हाईलाइट रही है, जहां हम लोगों ने शुरुआत से देखा कि कैसे एलिमिनेशन चेंबर में जीतने के बाद से रोमन रेंस का जो निशाना था वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर ही था, और आखिर में समर स्लैम में जाकर रोमन रेंस बन गए यूनिवर्सल चैंपियन। बट अनफॉर्चुनेटली यूके में चलते उन्हें अपने टाइटल को ड्रॉप करना पड़ा, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। बेस्ट ऑन द माइक ये अवार्ड यहां पर सिर्फ एक ही सुपरस्टार, एक ही पर्सन और एक ही आप लोग कह सकते हैं WWE का लेजेंड डिजर्व करता है, और वो है पॉल हेमन, और वाकई में ये अवार्ड पॉल हेमन को ही मिला है। रिटर्न ऑफ द ईयर ये मिला लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस को, जब सेथ रॉलिंस को ज्वाइन किया था उन्होंने और अटैक किया था ड्रू मैकइंटायर एंड डॉल्फ ज़िगलर के ऊपर, मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार। और ये अवार्ड यहाँ पर मिला नेओमी को। वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर WWE को पता अंडररेटेड है तो भैया पुश कर दो ना, अंडररेटेड नहीं रहेंगे ब्रेकआउट स्टार। तो ये वाला अवार्ड मिला गिटार के बादशाह एलायस को टैग टीम ऑफ द ईयर, और ये वाला अवार्ड लेकर जाते हैं द बार, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि फिलहाल करंट में स्मैकडाउन लाइव के टैग टीम चैंपियंस भी हैं। फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर, अगर मैं आपको एक मोमेंट दूं और आप लोग गैस करो यहाँ पर क्या होगा, आई थिंक दो ही नाम होंगे रोंडा राउजी एंड बैकी लिंच, लेकिन ये अवार्ड इस बार मिला है बैकी लिंच को, और आई थिंक यहाँ पर फैंस ने वोट किया तो कहीं ना कहीं बैकी लिंच को ही ज़्यादा सपोर्ट मिलना था। अब बात करें मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर, तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज कोई भी हो सकता था, वो सेथ रॉलिंस हो सकते थे, वो हो सकते थे रोमन रेंस, वो हो सकते थे एजे स्टाइल्स, लेकिन यहाँ पर ये अवार्ड मिला है मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन को। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर फैंस की हम लोग कह सकते हैं अगर वोटिंग पे है तो कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। बट यहाँ पर थोड़ा इस पर हम बात और कर सकते हैं, जैसे कि एजे स्टाइल्स को मिल सकता था, हो सकता था रोमन रेंस यहाँ पर जीत जाए या फिर सेथ रॉलिंस भी जीत सकते थे, बट फिर भी ब्रॉन स्ट्रोमैन है काफ़ी अच्छा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ WWE को इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो ये कि वो अच्छे से पुश करे ब्रॉन स्ट्रोमैन को, ऐसा ना करे कि आधे रास्ते पर जाकर उन्हें रोक दे जैसे कि WWE ज़्यादातर करती है ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। तो ये थे यहाँ पर वो सारे अवार्ड जो कि WWE ने 2018 साल के खत्म होने पर बताए। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि सारे अवार्ड्स के बारे में आपका क्या कहना है, और क्या लगता है क्या यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई है, या आपको लगता है सारे अवार्ड्स एकदम सही हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।